बहुत ही सीनियर हमारे करम फरमा बड़े भाई जफर आजमी साहब का इस्तकबाल चार मिसरों से कर रहा हूं कि सारी दुनिया की फजीलत भी तेरे कदमों में है। बीबी की शान में चार मिसरे। सारी दुनिया की फजीलत भी तेरे कदमों में है, हम मजादारों की किस्मत भी तेरे कदमों में है। सारी दुनिया की फजीलत भी तेरे कदमों में है, हम मजादारों की किस्मत भी तेरे कदमों में है। और अजमतों की शाहजादी तेरी अजमत को सलाम। अजमतों की शाहजादी तेरी अजमत को सलाम। मालिके जन्नत की जन्नत भी तेरे कदमों में है। अजमतों की शाहजादी तेरी अजमत को सलाम। मालिके जन्नत की जन्नत भी। मैं जनाबे जफर आजमी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। आप तमाम हजरात की खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूं और गुजारिश कर रहा हूं कि सिर्फ एक बार मिलजुल के बाबा से बुलंद मोहम्मद आले अहमद की अजमत पर सलावत भेज दें। शहजादी के हवाले से चार मिसरे पेश कर रहा हूं। मुलाजा फरमाए। हयात दीने खुदा है हयात जहरा की, हयात दीने खुदा है हयात जहरा की, कलाम हक से मुजयन है बात जहरा की, कलाम हक से मुजयन है बात जहरा की। बतौर खास दो मिसरे। हयात दीने खुदा है हयात जहरा की, अली के साथ खुदा से कलाम करती है, अली के साथ खुदा से कलाम करती है, सजी हुई है नमाजों से रात जहरा, सजी नमाजों से रात जहरा, अली के साथ खुदा से कलाम करती है, सजी हुई है नमाजों से रात जहरा की, सजी हुई है नमाजों। थके हुए हैं लोग, नारे सलावत पढ़े मां। आप यहाँ इलाहाबाद को उन्हीं की अमानत में हवाले करना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाए, जैसा मेरा हुसैन है वैसा कोई नहीं। ये आप यहाँ का मिसरा हुआ अभी कुछ दिन पहले का। मैं चाहता हूँ कि बस जैसे आपसे ने वैसा सुना दूँ। मुलाजा फरमाए, बिल्कुल आसान ज़बान में गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जैसा मेरा हुसैन है वैसा कोई नहीं। मुलाजा फरमाए, देख भाई थोड़ी तवज्जो दरकार है, मतलब पेश करता हूँ। जिसका दरे हुसैन से रिश्ता कोई नहीं, जिसका दरे हुसैन से
रिश्ता कोई नहीं जन्नत में उसके जाने का रास्ता कोई नहीं जिसका दरे हुसैन से उसने मतलब पेश करता हूं मौलाना फरमाए रिश्ता कोई नहीं मेरी तरफ तवज्जो मौलाना फरमाए उसने मतलब कि दुनिया के सीमा जर की तमन्ना कोई दुनिया सारी मिसरा है लेकिन तशरीफ फरमा है भाई मुलायरा फरमाए दुनिया के सीमा जर की तमन्ना कोई नहीं अशिके अजा से बढ़ के खजाना अजाब नवाजिश मोहब्बत से बढ़े के खजाना कोई नहीं माशाल्लाह से आप बेदार हो रहे हैं मुझे हौसला भी मिला शेर मिला फरमाए साबित ये हो चुका हदीसे रसूल से साबित ये हो चुका है हदीसे रसूल से उल्फत में शह की मर के भी मरता कोई मरता कोई नहीं उल्फत में शह की मर के भी बेताब भाई भाई मौला आपको सलामत रखे बहुत अच्छे अच्छे शेर कहते हैं आप शेर पेश करता हूँ मुलादा फरमाने दो तीन शेर सरकार थोड़ी सी तवज्जो दरकार है भाई जाइए जाइए चाय पी के आ जाइए जल्दी से मुलादा फरमाए वो तो फकत हुसैन के असगर का था कमाल रईस भाई वो तो फकत हुसैन के असगर का था कमाल यूं तीर खा के हल्क पे हंसता कोई नहीं यूं तीर खा के हल्क पाप हंसता कोई नहीं शेर मिला फरमाए दो शेर बिनते रसूल के सेवा इस कायनात में बिनते रसूल के सिवा इस कायनात में उमता बहुत है उम्मो अभी हाँ
तो उन तो भाई बस हौसला मोहब्बत दिन थे रसूल के सिवा इस कायनात में उम तो बहुत है उम्मो अभी कोई नहीं। मिश्रा जहन है ना, उम तो बहुत है उम्मो अभी कोई नहीं। फितर से की भाई आखिरी शेर बेताब भाई तमाम मोमिनीन मिश्रा जहन में होगा। फितर उसकी आ रही है सदा आसमान से जैसा मेरा हुसैन है वैसा बिनते रसूल के सिवा इस कायनात में उम तो बहुत है उम्मो अभी कोई नहीं। फितर उसकी आ रही है सदा आसमान से जैसा मेरा हुसैन है वैसा कोई नहीं। जैसा मेरा हुसैन है। शुक्रिया बहुत नवाजिश। मौला तमाम हजरात को सलामत रखें। वाकई में ज़माने का जो हक है आपने अदा किया है। फिर आपकी एक अमानत आखिर में एक मतलब और चार शेर। चूंकि मंझनपुर में पढ़ने के लिए थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है, वो तैयारी करके आए। मुलायदा फरमाए आप ही की अमानत आपके हवाले है भाई। मुलायदा फरमा ले मिसरा सुन के खुश हो जाएंगे आप। मदहेश ऐसे हो गए कितने सुखनवर आफ्ताब सरकार। मदहेश ऐसे हो गए कितने सुखनवर आफ्ताब। मदहेश ऐसे हो गए कितने सुखनवर आफ्ताब। मतला पेश करता हूँ आफ्ताब रदीफ के साथ। इंसाफ हुआ तो दुआ चाहूंगा। मुलाना फरमाइए एक सलवात पढ़े मैं पेश कर रहा हूँ। मतले से मेरे साथ हो जाए भाई खुदा के वास्ते। बस मधेश ऐसे हो गए कितने सुखनवर आफ्ताब। मतलब पेश करता हूं भाई। मुंह छिपाएगा कहीं बादल में जाकर आफ्ताब। मुंह छिपाएगा कहीं बादल में जाकर आफताब। मुँह छिपाएगा
روشن بہتر آفتاب کربلا میں دیکھ کر روشن بہتر آفتاب کربلا میں دیکھ کر روشن بہتر آفتاب اب وہاں عباس کا نقش قدم زوار ہے اب وہاں عباس کا نقش قدم زوار ہے زوف شانی کر نہیں سکتا جہاں پر آفتاب زوف شانی کر نہیں سکتا جہاں پر آفتاب اب یہاں سے شعر مزارہ فرمائیں ایک تبسم کا اجالا دل کی گہرائی میں ہے بڑا خوبصورت میں نے مصرع پیش اہل ہند تشریف فرمائے تھوڑی دیر ساتھ ہونے ایسے بھی شعر سنا کریں ایک تبسم کا اجالا دل کی گہرائی میں ہے ہو نہیں سکتا ہے اصغر کے برابر آفتاب ہو نہیں سکتا ہے اصغر کے برابر آفتاب مصرع ذہن میں نا انشاءاللہ یقین ہے کہ آپ خاموش نہیں رہیں گے میں آہستہ آہستہ لا رہا ہوں مولانا فرمائے ہو نہیں سکتا ہے اصغر کے برابر آفتاب مولانا فرمائے شعر پیش کرتا ہوں تو بتا مولا بنایا تھا پیغمبر نے کسے بھائی اہل ہند تشریف فرما ہے تو بتا مولا بنایا تھا پیغمبر نے کسے تو نے دیکھا ہے قدیر خم کا منظر آفتاب قدیر خم کا منظر آفتاب تو نے دیکھا ہے ہو انیس خوش بیا غالب ہو یا مرزا دبی خدا کی قسم آپ میرے ساتھ نہیں ہیں ذہنی اعتبار سے ورنہ خاموش نہیں رہتے پھر سے مصرع پڑھ رہا ہوں ہو انیس خوش بیا غالب ہو یا مرزا دبی ارے مدح شہ سے ہو گئے کتنے سخنور آفتاب مدح شہ سے کتنے سخنور آفتاب چاند کربلا بردوس ہے
منظر با منظر آفتاب کربلا بردوش ہے منظر با منظر آفتاب. بڑی نوازش ہوگی. یہ آخری شعر دو شعر پیش کرتا ہوں. تھوڑا سا بیداری کے ساتھ سماعت فرما لیں. بڑی محنت سے ایسے شعر کہے جاتے ہیں, بہت مشکل سے. اب حضرات ذرا سا تھوڑا سا توجہ درکار ہے آپ تمام حضرات کی. یہ دو شعر آفتاب ردیف پر اگر بات سچی ہو تو بول دیجئے گا. کربلا بردوش ہے منظر با منظر آفتاب, ایک ہی کے دن. ثانی مصرع, ایک ہی جیسے نظر آتے تھے عاشورا کے دن, جون کا چہرہ زمین پر اور فلک پر آفتاب. ایک ہی جیسے نظر آتے تھے عاشورا کے دن, جون کا چہرہ زمین پر اور فلک پر آفتاب. جون کر اور پھر ایک منظر اور پیش کرتا ہوں بھائی آخری. ایسا لگتا تھا گئے ایک ساتھ آتے تھے نظر. آخری شعر میں تمام شعر چھوڑ رہا ہوں. ایسا لگتا تھا گئے ایک ساتھ آتے تھے نظر, ہے فلک شبیر اصغر چاند اکبر آفتاب. ہے فلک شبیر اصغر چاند اکبر آفتاب. ہے فلک شبیر. اور مولانا فرمایا مکتا بھی بطور خاص, سایہ رحمت میں ہوں گے اے ظفر اہل عذاب, سایہ رحمت میں ہوں گے اے ظفر اہل عذاب, جب ثواب نیزے پہوگا روز محشر آفتاب. جب ثواب نیزے